नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। इंदौर आईजी योगेश देशमुख इंदौर काफी तीखे हैं, मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं कल डीआरपी लाइन में भी औचक निरीक्षण करने के बाद एमटीओ को सस्पेंड किया था। वहीं आज अल सुबह ही आईजी ने थानों के निरीक्षण पर निकले हैं, जिसमें दो थाने के थाना प्रभारियों पर गाजगिरी है। आईजी योगेश देशमुख के इन दिनों तीखे तेवर सामने आ रहे हैं, जिसका सामना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को करना पड़ रहा है। वहीं कल डीआरपी लाइन के एमटीओ को सस्पेंड करने के बाद आज आईजी थानों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें सबसे पहले कनालिया थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद थाना प्रभारी आरडी कनवा को लाइन अटैच कर दिया। जिसके बाद योगेश देशमुख सीधे भवरकुआ थाने पहुंचे, जहां उन्हें उचित साफ सफाई नजर नहीं आई, जिसकी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं जब थाने संबंधी रिकॉर्ड खंगाले तो कई अनियमितताएं आईजी को मिली, जिसके बाद थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी को भी लाइन अटैच कर दिया। आईजी इंदौर के इस औचक निरीक्षण को लेकर केंद्र के डीआईजी हरिनारायण चारि मिश्र ने बताया कि ये एक पुलिस विभाग की आंतरिक व्यवस्था होती है, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी समय समय पर अपने महकमे की जांच करते रहते हैं और कमी पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं। एक ही दिन में दो थाना प्रभारियों को लाइन अटैच करने की खबर समस्त थानों में पहुंच गई। उसके बाद सारे थाना प्रभारी अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित करते भी नजर आए। अब आईजी योगेश देशमुख का सभी थाना प्रभारी इंतजार कर रहे हैं। वो थाने की साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं, ताकि आईजी योगेश देशमुख का तीखे तेवर का सामना न करना पड़े। मुख्य तौर पर ये पुलिस की एक आंतरिक व्यवस्था होती है, जिसमें इस वार्षिक निरीक्षण में वर्ष भर की या पिछले सालों की जो भी थानों की रख रखाव, थानों की कार्य दक्षता का उसमें आकलन किया जाता है। इसमें कल परेड का और बाकी पुलिस लाइन के तमाम जो वहाँ पे जो व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ हैं उनका मूल्यांकन किया गया, और आज विभिन्न थानों में अलग अलग दो थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किस तरह की अनियमितताएं हुई और फिर थाना प्रभारी मुख्य रिकॉर्ड्स के रख रखाव संबंधी कुछ चीजें पाई गई, इसके बारे में फिर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की। सर, आईजी के निरीक्षण का पहले से आला अधिकारियों को थाना प्रभारियों को जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली, तो किस तरह की? मुख्य ये विभाग की एक आंतरिक व्यवस्था है, जिसमें मुख्य तौर पर एक आत्मावलोकन के लिए जो बहुत सारी लंबी चीजें होती हैं, या थाना की या फिर पुलिस लाइन की अलग अलग जो वहाँ की व्यावसायिक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है। उसी संबंध में आज परीक्षण कल और आज भी किया। आज के निरीक्षण में क्या कार्रवाई? आज मुख्य तौर पे दो थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कनाड़िया और मोरकुआ थानों का, और इन थानों में जो भी पेंडिंग अपराध हैं या वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स का रख रखाव है, थाने का रख रखाव है, इनसे संबंधित तमाम मुद्दों का समीक्षा की गई। कभी कहा है ये पुलिस की एक सुधारात्मक व्यवस्था है, और ये इंस्पेक्शन के माध्यम से कई हमारा रिकॉर्ड ठीक होता है, कई सारे यहाँ सिस्टम है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जानकारी लेने का एक सिस्टम है, पुलिस एक व्यवस्था के तहत काम करती है, तो ये सब जानकारी लेने के लिए मैं आया था। यस, हमारे यहाँ कुछ कमियाँ मिलती है तो सुधार हम करते रहते हैं। सर, भवरकुआ थाने पर किस तरह की अनियमितता मिली और थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई की? देखिए, अनियमितताएँ तो रहती हैं, थोड़ी सी गंभीर अनियमितताएँ मिलने पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी तत्कालिक तौर पर कनाड़िया थाना प्रभारी और भंवरकुआ थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। सर, यहाँ पर किस तरह की अनियमितता मिली, क्योंकि आपने भंवरकुआ थाने को भी लाइन कर दिया? देखिए, पुलिस में जितने भी तरह के काम होते हैं सारे रिकॉर्ड मैंने चेक किए हैं, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके जो अनियमितता कमी आई हैं, बहुत सी कमियाँ मिली हैं, उसकी हम जाँच कर रहे हैं। औचक निरीक्षण ये क्या जारी रहेगा शहर में? औचक निरीक्षण किसी भी अधिकारी के द्वारा कभी भी पूरे जिले में कभी भी किया जा सकता है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम्स स्मार्ट टीवी ऐप।